भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव
काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, वैसे ही तमो गुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्व गुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है, तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं।